रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने एग्जांपल 2.3 को प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, जिसमें हमारे पास 50 स्टूडेंट्स थे और ये डाटा हमारे पास होल नंबर्स में था। ठीक है, डेसिमल में नहीं है, पॉइंट्स में डाटा नहीं है, हमारा होल नंबर्स में था। सबसे पहले तो हमने जो स्टेप्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रेंज कैलकुलेट की, नंबर ऑफ क्लासेस, क्लास इंटरवल, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्लासेस बना ली। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों तरह की क्लासेस बनानी थी, हमें मेंशन था उसमें क्वेश्चन में। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.4, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन आपको करना मुश्किल नहीं होता, और एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन होते हैं और पेपर में भी यही आते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज होते यही हैं, इसी तरह से आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है यूजिंग क्लास इंटरवल, यानी कि आपको एज गिवन है, यानी कि तीसरे स्टेप में जो आप एज निकालते हो वो उन्होंने कह दिया गिवन है, वो 5 है। इंडिकेट द क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास मार्क, यानी कि आपने मिड पॉइंट्स भी निकालने हैं और क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है। ठीक है, तीन चीजें इसमें करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और ये दोनों ये भी काम करना है। अब आप देख रहे हैं आपके पास डाटा है 1 डेसिमल पॉइंट तक, सारा डाटा ही आपके पास 1 डेसिमल पॉइंट तक है। पिछले एग्जाम्पल का डाटा आपके पास होल नंबर में था। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें डिफरेंस क्या आएगा वो आपको नेक्स्ट पता चलेगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हमने इसमें से मिनिमम वैल्यू देखी, हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या थी। मिनिमम वैल्यू हमने जो इसमें डाटा में से सर्च करके देख ली तो वो 46.2 थी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 97.6 है। ठीक है, जब आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। हमेशा सबसे पहले काम आपका होना चाहिए कि आपने अपने डाटा में मिनिमम वैल्यू देखनी है और उसके बाद फिर आपने जो है मैक्सिमम वैल्यू देख के रेंज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको इसमें जरूरी हो या ना हो लेकिन रेंज तो आपने कैलकुलेट करनी करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने लोएस्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट करनी है और लास्ट कहाँ तक जाना है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का ये भी होता है ना कि आपने कहाँ से कहाँ तक क्लासेस बनानी है, इसका थोड़ा सा आइडिया। अच्छा जी, हमने सबसे पहले तो रेंज कैलकुलेट की, 51.4 आ गया हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता है कि हमें एज गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, दरमियान वाला के वाला स्टेप हमने कैसे करना है कि हमें रेंज भी हमने निकाल ली है, एज भी हमें गिवन है। तो कल जो मैंने बताया था आपको एज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एज इज इक्वल टू आर ओवर सी होता है हमारे पास, आर ओवर के, सॉरी आपने के अकॉर्डिंग किया ना, आर ओवर के होता है हमारे पास। अब यहाँ पे के का रिजल्ट हमने कैलकुलेट करना है, ये हमें पता है एज की वैल्यू आपके पास 5 है और आर की वैल्यू आपके पास क्या है, 51.4। ठीक है, ये भी आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया। नीचे आपके पास जो के है वो अननोन है, आपने नंबर ऑफ क्लासेस को कैलकुलेट करना, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे के चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास 10.28 आ गया। और हमने ये पढ़ा था कि हम इसको होल में कन्वर्ट कर लेते हैं अपर होल में, यानी कि अप्रोक्सीमेट करते हैं लेकिन हम इसको अपर अप्रोक्सीमेट करते हैं। इस तरह से हमारा बन गया कि हमने 11 क्लासेस बनानी है। ठीक है, याद रखना है आपको, अगर मेंशन है या मेंशन नहीं है लेकिन आपने इन तीनों स्टेप्स को फिर इस तरह से करना है। कल मैंने आपको कहा था कि ना करें लेकिन आप इन तीनों स्टेप्स को जरूर करें, रेंज भी जरूर निकालें ताकि आपको आदत हो, और नंबर ऑफ क्लासेस अगर आपको गिवन है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज आपने कैलकुलेट करना फॉर्मूले के थ्रू 1.322। लेकिन यहाँ पे हमने इस वाले फॉर्मूले से क्यों निकाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे रेंज भी गिवन थी और एज भी गिवन था, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अदरवाइज इसका ये वाला फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है, 1.1 + 1.32। ठीक है, लॉग ऑफ एन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड स्टेप तीनों तरह से हो गए हैं। अब हम आते हैं अपनी क्लासेस की तरफ। सबसे पता है हमें मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 46.2 है, पर हमने हमारे पास एज का जो वो है वो 5 हमें गिवन है, इसका मतलब है हमने 46 है तो इससे प्रीवियस कोई ना कोई हमने मल्टीपल से स्टार्ट करनी है। ठीक है, इससे प्रीवियस मल्टीपल से हम स्टार्ट करते हैं, 46 से प्रीवियस हम 45 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 5 5 ऐड करना है ना, हमें क्लासेस बनाने में आसानी होगी। हमने क्या किया, स्टार्टिंग वैल्यू को 45 ले लिया। अब 45 ले लिया, नेक्स्ट मैंने इसे 5 ऐड किया, इंटरवल एज यहाँ पे ऐड करते हैं ना, इंटरवल एज जो हमने ऐड किया तो बन गया 50, फिर ऐड किया 5 फिर बन गया 55, फिर ऐड किया बन गया 60, इस तरह से हम सोन चलते गए, हम अपना बनाते हैं क्लासेस। अब यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू आप कहेंगे कि 49 क्यों मिली, मैंने आपको कल भी बताया था जब आपका पॉइंट्स में डाटा होता है तो फिर आप उसको पॉइंट्स में ही लेते हैं। अभी आपने 49.9 तक लिया है, अगर ये आपका होल नंबर में डाटा होता, पॉइंट्स में डाटा ना होता, तो आपने इसको 49, जस्ट 49 ले लेना था। ठीक है, एक यूनिट प्रीवियस। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसको 50.0 कंसीडर किया। सबसे पहले तो हमने 50.0 होगा ये, और इससे प्रीवियस एक यूनिट थे तो वो 49.9 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 55 है, 55 को हमने इतना से 55.0 कंसीडर किया, एक यूनिट प्रीवियस दे तो हमारे पास 54.9 बन जाएगा। सिमिलरली 60 से प्रीवियस 1 यूनिट डेसिमल में जाना है, हमने 1.6
तो 59.9 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी इसी तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है ना? पॉइंट्स वाले डाटा का और सिंपल जो कल होल नंबर वाला था इसलिए उसमें कोई वो नहीं था, इसमें पॉइंट्स में डाटा, तो इसलिए हम इस तरह से जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से सिमिलरली हम ये जो चलते गए, अब आपको पता है आपकी मैक्सिमम वैल्यू डाटा की 97 पॉइंट समथिंग थी, ठीक है, 97.9 था या कुछ इस तरह से था, इसलिए हम यहाँ पे 95 तक गए। तो हमें पता है कि 99 पॉइंट तक जा रहा है डाटा, तो हमारा सारा डाटा इसमें कवर हो रहा है। 97.4 थी ये जो भी वैल्यू थी, तो यहाँ तक हमारा सारा डाटा क्या हो रहा है, कवर हो रहा है इसमें। अब जब डाटा कवर हो रहा है तो फिर हमें वहां तक जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू लेट्स सपोज 94 तक होती तो हमें यहाँ तक क्लासेस बनानी पड़नी थी, हमने इस वाली नेक्स्ट क्लास पे जाना ही नहीं था। तो अब हमें पता है कि हमारी जो है मैक्सिमम वैल्यू 97.6 है, तो हमें ये बनाना पड़ गया। क्या अब समझ आ गई आपको कि आपने लोअर कैसे बनाने हैं? लोअर तो आप एज ऐड करते जाते हैं तो ये बनता जाता है। ठीक है, अपर आपने फिर ये कैसे बनाया कि इससे एक प्रीवियस यूनिट लेना है। प्रीवियस यूनिट अगर आपका होल डाटा होता तो ये 69 होता। अगर अब आपका डाटा पॉइंट्स में है, पॉइंट्स में डाटा होने की वजह से हमने क्या करना है इसको, हमने जो है पॉइंट्स वाले को एक यूनिट प्रीवियस करना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी क्लासेस बन जाएंगी, ये क्लास लिमिट कहलाता है। अब क्लास बाउंड्रीज में आपको पता है कि ओवरलैप करती है, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले तो आपको टैली बनाना पड़ता है। अब आपको टैली बनाने का मेथड पता है ना, ये कल भी मैंने आपको बताया था, जब आप बना रहे होते हैं लेट्स सपोज आप ये फर्स्ट कर रहे हो, 65.7 है आपके पास, 63.97। अभी आपने जब इसको बनाना है तो आपने यहाँ पे जो भी कंसीडर करना है, जैसे कि लेट्स सपोज आपने इसको काउंट कर लिया, आपने टैली में डाल दिया इसको, आपने टैली में डाल दिया, तो आपने इसको छोटा सा क्रॉस लगाते जाना है ताकि आपको गलती ना हो। ठीक है, और इसको आपने पहले से टोटल वैल्यूज देख ली, काउंट कर ली कितनी है, ताकि आपको पता हो कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। जितनी जितनी वैल्यूज हैं उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास टैली को हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेना होता है। टैली बनाना तो आपको आता है ना, आपने पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर में भी और इंटर मैट्रिक लेवल में भी, तो इसलिए यहाँ से टैली बना लिया पहले आपने डाटा को काउंट करके, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और याद रखना है पहले नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करना कितनी है, और उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी को देखना कि वो वाकई उतना 35 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो बराबर नहीं आ रहा तो आपने कोई एक वैल्यू मिसिंग कर दी। क्लास बाउंड्री बनाने का कल आपको तरीका बताया था, सेम वही मेथड अप्लाई होगा। आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेना। हमेशा आपका डाटा पॉइंट्स में हो, होल नंबर में हो, टू डेसिमल प्लेस, थ्री डेसिमल प्लेस, कोई भी डाटा हो, आपने इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेना है। इन दोनों के डिफरेंस को फिर टू पे डिवाइड करना है, और उसको टू पे डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आएगा रिजल्ट, वो आपने यहाँ पे जो लोअर लिमिट होती है उसमें से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देनी है वो वैल्यू, और अपर में वो वैल्यू को ऐड कर देना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको करती हूँ 50-49.9 को माइनस करती हूँ और डिवाइडेड बाई टू करती हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.05। ठीक है, ये आएगा मेरे पास 0.05। अब इस 0.05 को मैंने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है और इस वाली वैल्यू में उसमें ऐड करना है। अपर वाले में ऐड करना होगा और लोअर वाले में से माइनस करना है। 45 में से मैं माइनस करती हूँ 0.05, तो मेरा बन जाएगा 44.9। 49.9 में मैं ऐड करती हूँ तो बन जाएगा 49.95। इसमें से मैं माइनस करती हूँ 0.05 को तो बन जाएगा 49.95। इसमें मैंने ऐड किया तो ये बन जाएगा 54.95। इस तरह से आप देखिए ये हमारी सारी जो है क्लास बाउंड्रीज होती जाएंगी। अब ये देखिए आप हमेशा ये चीजें जो दोनों है ओवरलैप करती है, दोनों बराबर आती हैं। आपका जो ये अपर और ये लोअर आपस में हमेशा बराबर आता है, ये ओवरलैप करता है। अगर ये ओवरलैप नहीं कर रहा, सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती की है। तो दोबारा से देखिए आपने क्या गलती की है। ठीक है, समझ आ गई कि सारे लोअर्स में से आपने इस वाली जो रिजल्ट को माइनस कर देना है और ये सारे अपर में से इस वैल्यू को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, और ये आया कैसे है दोबारा से मैं बता रही हूँ, ये आया कैसे है कि आप इन दोनों का डिफरेंस लिया। हमेशा ऐसे लेना है इन डिफरेंस, ये नहीं करना कि इस तरह से ऊपर नीचे वाले का डिफरेंस नहीं लेना, इसका ये जो आपके पास ये है लोअर और ये अपर, इन दोनों का डिफरेंस लिया और टू पे डिवाइड, पहले वाले का आपका अपर होता है और सेकंड वाले का आपका लोअर होता है, इन दोनों का डिफरेंस लेके टू पे डिवाइड करना है, और आपके पास जो है इस तरह से क्लास बाउंड्रीज बनती जाएंगी। ठीक है, आपके हर क्वेश्चन में तो उन्होंने क्लास बाउंड्रीज पूछेंगे। नेक्स्ट, क्लास मार्क या मिड पॉइंट कैसे बनता है। अब मिड पॉइंट को भी बनाने का मैंने कल आपको बताया था, मिड पॉइंट बनाने का तरीका क्या होता है, आपके पास आपने लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई टू करना है। ठीक है, चाहे क्लास बाउंड्रीज का कर लें चाहे क्लास लिमिट्स का कर लें, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई टू, इस तरह से करके इसका आप सारा निकालेंगे। जैसे 45 प्लस 49.9, इसको हम दोनों को ऐड किया, टू को डिवाइड किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 47.45।
सिमिलरली आप इन दोनों को भी ऐड करेंगे ना, 44.95 प्लस 49.95, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो तब भी यही रिजल्ट आएगा। याद रखें, आपको मैं बार बार बता रही हूँ, क्लास मार्क्स चाहे आप क्लास बाउंड्रीज का निकालें, चाहे आप क्लास लिमिट्स का निकालें, दोनों का ही ये आपके पास सेम रिजल्ट आता है मिड पॉइंट का। ठीक है, क्लास बाउंड्री से चाहे निकालें आप, चाहे क्लास लिमिट से निकालें, तो आपका सेम रिजल्ट आएगा। एनी क्वेश्चन कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं 1 मिनट के लिए जो है वीडियो स्टॉप कर दूंगी। पूछ लें, कुछ भी पूछना पूछ लें बच्चों जी। आपको जो फ्रीक्वेंसी की समझ नहीं है, फ्रीक्वेंसी कैसे बनाना, मैंने भी आपको बताया था कल कि आप जैसे कि पहली वैल्यू आपके पास 65.7, अपनी बुक ओपन करके रखिए, उसमें से देखें 65.7 है ना आपके पास, इसको 65.7 को देखना हमने कहाँ पे लाई करता है। तो ये हमारा यहाँ पे लाई करता है, हमने यहाँ पे इसके सामने एक टैली बना लिया। ठीक है, ये टैली बन गया हमारे पास 65.7 का। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू है हमारे पास 63.9, 63.9 यहाँ पे लाई करता है तो मैंने यहाँ पे टैली बना लिया। थर्ड वाली वैल्यू है 72.1, 72.1 यहाँ पे लाई करती है, मैंने यहाँ पे टैली बना लिया। फोर्थ वैल्यू है मेरे पास 70.8, 70.8 मैंने फिर यहाँ पे लाई करता है, मैंने यहाँ पे फिर टैली बना लिया। नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास 46.2, 46 मेरा यहाँ पे फर्स्ट क्लास में लाई करता है, मैंने यहाँ पे बना लिया। मेरी जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी वो ये वाली है, 46.2 को यहाँ पे लाई कर लिया। इसके बाद 73, 73 मेरा यहाँ पे लाई करता है, इसमें मैंने फिर दोबारा से टैली बना लिया। नेक्स्ट मेरे पास है रिजल्ट 97.6, 97.6 आपको पता है लास्ट क्लास में लाई करके सबसे बड़ी वैल्यू है, वो लास्ट में आपने कर ली। इस तरह से आपने सबके सामने टैली बनाते गए, हर वैल्यू को देखा और उसके सामने कहाँ पे वो लाई करती है, ठीक है, किस रेंज के अंदर वो लाई करती है, उसके सामने आपने टैली बनाते गए जो भी वैल्यू। जैसे कि लेट्स सपोज मेरी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 67.6, ठीक है, 67.6, 67.6 को मैंने देखा यहाँ पे लाई कर रही है, मैंने इसके सामने टैली बना लिया। इस तरह से जब आप सारे टैली बना लेंगे, सारे के सारे डाटा को काउंट करके, जो मैंने बताया कि आपने क्या करना है, उसके छोटा सा क्रॉस का साइन लगाते जाना, जो भी आप वैल्यू को इंक्लूड कर दो यहाँ पे टैली में। इस तरह से सारे जब टैली बार बन जाएंगे, फिर इन टैली को आपने कन्वर्ट कर लेना है फ्रीक्वेंसी में। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 है 1, ये 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 बार्स पे, ये 2 बार्स तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 बार है तो ये 5 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये 8 है तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 8। इस तरह से सारी फ्रीक्वेंसी को आपने टैली को कन्वर्ट करके आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बना। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट की तरफ जा रही हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अभी आपको इन्होंने सीक्वेंस से सारी चीजें गिवन है इसमें, इस बुक में। पहले आपको होल नंबर का डाटा दिया, फिर आपको 1 डेसिमल प्लेस वाला डाटा दिया, अब एग्जाम्पल 2.5 में उन्होंने 2 डेसिमल प्लेस वाला डाटा दिया। क्या कहा है यहाँ पे, द फॉलोइंग टेबल शोज द डायमीटर्स इन मिलीमीटर ऑफ अ सैंपल ऑफ 45 बॉल बेयरिंग मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी। अब यहाँ पे 45 सैंपल है, इसका मतलब है आपके पास फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होना चाहिए, 45, यानी कि आपके पास एन यहाँ पे 45 है, नंबर ऑफ जो है साइज या सैंपल साइज हमारे पास 45 है ऑब्जर्वेशन। इसके बाद है कंस्ट्रक्ट, आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, ऑफ अ डायमीटर टेकिंग क्लासेस, आपने क्लासेस कैसे बनाई है उन्होंने बता दी आपको, 2 क्लासेस बता दी उन्होंने, कह दिया कि आप 60.50 लेंगे, नेक्स्ट क्लास आपकी क्या हो जाएगी, यहीं पे मैं लिख के बताती हूँ, 6.53 और इसके आगे जो है 6.55 आ जाएगा। इस तरह से आपने क्लासेस बनानी है, उन्होंने 2 क्लासेस बता दी, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट बना सकते हो। अब हमें स्टार्टिंग बॉल भी पता चल गया कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, और हमें इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस लेती हूँ ना, मैं इन दोनों के दरमियान में, तो मेरा क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेगी, एनी वन को जल्दी से मुझे बताए इन दोनों का डिफरेंस मेरा क्या कहलाता है। अभी मैं आपको क्लासेस बनाना सिखा रही थी तो मैंने कहा था 2 कंजक्टिव क्लासेस के दरमियान में डिफरेंस को हम क्या कहते हैं। एज एज कहते हैं, क्लास इंटरवल साइज, बार बार मैं आपको बताती हूँ कि हर आपने इस तरह से ऐड करते जाना, ये एज कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास एज है 0.03, हमारा क्या आ जाएगा एज, जिसको हम कहते हैं इंटरवल या क्लास साइज। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एज आ जाएगा। यहाँ से हमें स्टार्टिंग वैल्यू भी पता चल गई, एज भी पता चल गया, और हमने क्या बनानी है, क्लास बाउंड्री बनानी है। अब ठीक है, सारी चीजें गिवन है, बस आपने सिंपली बनाते जाना। अब यहाँ पे हमें एक काम तो करना पड़ेगा, मैंने आपको कहा था रेंज तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखनी, क्योंकि आपने कहाँ तक क्लासेस बनानी है ये चेक करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने देखा मिनिमम वैल्यू हमारी 6.51 थी, और इन्होंने 6.50 से लेकर स्टार्ट किया है मिनिमम क्लास।
मैक्सिमम हॉल वैल्यू 6.82 आ रही है, ठीक है। यहाँ से आपने सर्च किया तो ये 6.82 होगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, वो हमारी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू भी लिख ली, मैक्सिमम वैल्यू भी लिख ली, और इसके बाद रेंज कैलकुलेट की तो 0.31 आ जाएगी, ठीक है। मैंने कहा था ये फर्स्ट स्टेप आपने जरूर करना है। अब थर्ड में उन्होंने कह दिया कि आपके पास जो है वो, उन्होंने ये तो बता दिया कि एज हमारे पास 0.03 है, ठीक है, ये आपको पता है 0.03 है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, रेंज और नंबर ऑफ क्लासेस को डिवाइड करके आपको ये बता दिया। अगर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कल अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे करना है, आर ओवर सी करते हैं, या के, सॉरी के कहते हैं। अब आपको पता है आपके पास रेंज भी पता है, आपको 0.31 आपकी रेंज है, और एज भी आपको पता है 0.35 आपने कैलकुलेट किया अभी। अभी मैंने आपको दो कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान में डिफरेंस को कहा है कि वो एज कहलाता है, तो वो आपका 0.3 बन रहा था, 0.03, और ये जो ऊपर है ये 0.31 है, और के आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो के आपके पास अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, जब आप उसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन तीनों स्टेप को फिर जरूर करना है। कल मैंने कहा था चाहे ना करें, लेकिन आपने इनको जरूर करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये पहले दूसरे तीसरे स्टेप्स हो गए, हमें चल गया कि हमारा रेंज क्या है, हमारा एज क्या है, और हमारी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेंगी, 11 बनेंगी। नंबर ऑफ क्लासेस क्या होता है ये पता है आपको? देखिए जैसे कि लेट्स सपोज ये वाला हमने बनाया था, क्वेश्चन किया था पिछला क्वेश्चन में बता दूँ, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, इसके बाद 10 11। अब आप यहाँ पे 11 क्लासेस है, आप इनको काउंट करें तो 11 क्लासेस, और हमारा के भी पिछले क्वेश्चन में 11 ही निकला था, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, जी जो उन्होंने हमें क्लासेस बताई थी हमने वो लिख ली। पहली क्लास हमारे पास 6.50 थी, और नेक्स्ट 6.53 से ये दोनों क्लासेस हमें क्वेश्चन में गिवन थी। उन्होंने कहा ऐसे क्लासेस बनाए, ठीक है। अब हमने पहली को भी लिख लिया, दूसरी को भी लिख लिया, और इनके दरमियान में इस तरह से डिफरेंस चेक किया तो हमारे पास एज निकल आएगा, वो इंटरवल साइज कहलाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमने निकाला वो भी एज, इस तरह से हमने एज ऐड करते गए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास हमारी बनती जाएगी। हमने क्या किया, 0.03 को ऐड करते गए, ठीक है। सेकंड में हमने ऐड किया तो बन जाएगा 0.56, ठीक है। 6.53 में इसमें देखो 3 मजीद ऐड हो रहा, तो ये 5.6 बन जाएगा, 3 ऐड हुआ 9 बन जाएगा, इसमें 0.03 ऐड करते गए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास बनती गई। अब यहाँ पे ये वाली जो है अपर लिमिट को कैसे लेना है, जब यहाँ पे 3 है तो इससे प्रीवियस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 है तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 है तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 है तो यहाँ पे क्या है इससे प्रीवियस, 1 आ जाएगा, 5 है तो इससे प्रीवियस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 है तो इससे प्रीवियस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आपने देखा होगा जब आपके पास 2 डेसिमल प्लेस वाला डाटा होता है तो इसमें आपने प्रीवियस लेना होता है, ये आपको आसान है। जो आपने दूसरा किया था 1 डेसिमल, उसमें थोड़ा सा वो समझने वाला था, तो ठीक है। आपने इस तरह से सारी यहाँ पे प्रीवियस के लिए अपर बनाने के लिए, और जो है लोअर बनाने के लिए आपने एज एज को ऐड करते गए, इस तरह से आपने सारी क्लासेस बना ली, और आप इनको काउंट करेंगे तो ये भी आपके पास 11 क्लासेस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने टैली बनाना है, अभी सेम मैंने मेथड बताया था। टैली में क्या है कि जो आपके पास वैल्यूज हैं, जैसे कि लेट्स सपोज पहली वैल्यू है आपके पास 6.57, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू 6.68, उसको आपने यहाँ पे ऐड कर लिया, ये इस क्लास में 6.5 हो रहा है, इसको आपने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। थर्ड में 6.72 है, इसको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरह से सारी वैल्यूज को सामने टैली बनाते गए, और उस टैली को आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, और नेक्स्ट इसके बाद आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने क्लास मार्क मेंशन नहीं किया, तो क्लास मार्क नहीं, आप बस क्लास बाउंड्रीज तक ही रुक जाएं। अब इसकी क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेंगी, सेम वही मेथड जो हमने होल नंबर के लिए किया, 1 डेसिमल प्लेस के लिए किया, और 2 डेसिमल प्लेस के लिए भी हमने वही करना है। इन दोनों का डिफरेंस लिया, ठीक है, ये क्या है हमारे पास लोअर सेकंड वाले का और अपर फर्स्ट वाले का, इन दोनों का डिफरेंस लिया, 2 को डिवाइड किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.005, ठीक है। एक इसको देखो याद करने का ट्रिक ये है, जब आपका होल डेसिमल डाटा होता है तो 0.5 आता है आपके पास, जब आपका 1 डेसिमल प्लेस होता है तो वो 0.05 बन जाता है, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस है तो 1 0 आ जाएगा। अब 2 डेसिमल प्लेस है तो क्या हो जाएगा, 2 0 आ जाएंगे, और उसके बाद 5 आएगा, ठीक है। याद रखना, आपका अगर 3 डेसिमल प्लेस हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपके पास 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3, और उसके बाद 5 आएगा। ये इसका एक ट्रिक है याद रखने के लिए, जब आपका होल नंबर होता है तो
तो आपके पास ये आता है होल नंबर, और अगर आपके पास वन डेसिमल प्लेस है तो 0.05, ये 10 आ जाता है यहाँ पे। अगर आपके पास टू डेसिमल प्लेसेस हैं तो 2 0 और फिर 5, इतना से आ जाता है। अगर 3 डेसिमल प्लेस हो तो हमारे पास ये 0.30 और 5, इसका से आपने ये डिजिट आता है। और इस डिजिट को फिर क्या करना होता है, लोअर में से सब में से माइनस कर देना है और अपर सब में ये वाला वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फिर वो हमारी क्या बन जाती है, क्लास बाउंड्रीज बन जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे 6.50 में से मैं क्या करती हूँ, ये वाली वैल्यू को माइनस करती हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 0.6.495। ठीक है, अपने कैलकुलेटर पे साथ साथ आप करके देखा करें, जो चीज नहीं हो रही वो फौरन आप मुझे कहें कि मिस ये नहीं हो रही, तो बताएं कैसे करना। 6.52 इसको आपने करना है ऐड, तो ये बन जाएगा 6.525। अब जल्दी से हरी, अब आप अपने कैलकुलेटर पे जल्दी से निकालें, कैलकुलेटर पे करके मुझे बताएं कि ये हुआ है या नहीं हुआ सॉल्व। यहाँ पे क्लास लिमिट्स आ जाएगा, टैली फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज आपने बनाना है। फिर दोबारा से सीख लीजिए क्या करना है आपने, इनके दरमियान डिफरेंस लिया जो वैल्यू वाइज माइनस की इसमें और इसमें ऐड कर दी, इस तरह से हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगे। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की, बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको एक फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे क्वेश्चन। हमें पता है, देखो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कहा था कि 45 हमारी ऑब्जर्वेशन टोटल है, तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम भी क्या आया है, 45 आया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, डिस्क्रीट डाटा इज जनरेटेड बाय काउंटिंग। आपको मैंने डिफरेंस बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि जो आपका डिस्क्रीट डाटा होता है उसको हम काउंट करते हैं, गिन सकते हैं, वो नंबर में होता है। ठीक है, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज एग्जैक्ट, यानी कि उसमें हर ऑब्जर्वेशन एग्जैक्ट होती है, होल नंबर होती है। ये नहीं होगा कि वो 0.005 हो गया पॉइंट्स में, ऐसे नहीं होगा, वो आपके पास एग्जैक्ट होगी, आप उसको काउंट कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप इस वक्त क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं, आपको काउंट कर सकती हूँ मैं। देन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, और जब ऑब्जर्वेशन रिपीट होते हैं तो वो पता है आपको फ्रीक्वेंसी बन जाती है। इट इज काउंटेड द नंबर फॉर विच द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। द क्लास लिमिट्स इन डिस्क्रीट डाटा आर टू क्लास लिमिट्स एंड देयर इज नो क्लास बाउंड्री। अब वो कह रहे हैं कि इसमें क्लास बाउंड्रीज भी कोई नहीं होती, और क्लास लिमिट्स भी आपके पास आप देखेंगे सिर्फ जस्ट एक एक वैल्यू होती है, लोअर भी वही अपर भी वही। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे लोअर अपर का कॉन्सेप्ट इसमें डिस्क्रीट में नहीं होता, बस ऑब्जर्वेशन होती है। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर, अब आप देखिए आपका जो डेटा है उसमें कैसे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और ये डिस्क्रीट डेटा है। ठीक है, काउंट कर सकते हैं तो ये डिस्क्रीट डेटा है। इन वेरियस फैमिलीज मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज वन। अब इसमें क्लास इंटरवल का साइज हमेशा वन होता है, यूजली जो आपका डिस्क्रीट डेटा है इसमें आपने वन ही लेना होता है, तो बस वन वन का डिफरेंस लेके आप चलते जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है, आपके पास 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास 10, ये देखें। ठीक है, मैक्सिमम 10 बच्चे हैं किसी के और मिनिमम 0। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। ये तो आपने देखो मैंने आपको कहा था, चाहे आप डिस्क्रीट करें, कंटिन्यूस करें, जो भी करें, ये तो आपको मिनिमम मैक्सिमम तो देखना पड़ता है कि आपने कहाँ कहाँ तक डाटा को रेंज में रखना है। हमने मिनिमम वैल्यू देखी 0 थी, मैक्सिमम 10 थी, तो बस सिंपल क्या किया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स इस वेरिएबल को कह देते हैं, यहाँ पे ना तो हम क्लास लिमिट्स कहते हैं ना इनको क्लास बाउंड्रीज कहते हैं, बस एक्स नाम दे दिया। एक्स दे के 0, 1, 2 और 1, 1 का इसके दरमियान में इंटरवल चल रहा है, देखें 1, 1 का चल रहा है ना, ये दरमियान में रहता है 1, 1, 1, ये हमारा एच 1, 1 है। यहाँ पे हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 तक हमने सारी वैल्यूज को लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने टैली बना लिया और फ्रीक्वेंसी बना लिया, जस्ट सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा। ठीक है, आपने 0 देखो, इसको आसान, इसको करने का आसान तरीका ही है वैसे, आपने 0 देखा तो 0 आप देखोगे कहाँ कहाँ पे, सिर्फ जस्ट 1 0 है आपका डाटा, तो आपने इसको क्रॉस लिया और यहाँ पे 1 टैली बना लिया। 1 को देखा, 1 आपके पास यहाँ पे ये एक तो ये आ रहा है आपके पास 1, यहाँ पे चेक किया तो एक ये 1 आ रहा है, तो बस 2 टाइम 1 आ रहा है, तो हमने 2 बार बना लिए और 2 इसकी 2 फ्रीक्वेंसी आ गई। 3 को चेक किया हमने, सॉरी 2 को चेक किया तो 2 हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है, 1 टाइम हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 2 था, 2 बार हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेक करते गए और एक ये आ गया हमारे पास 3, 3 2 आ गए हमारे पास, 3 बार बना लीजिए और इस तरह से इसकी 3 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ऑन सबके आप 4 को देखोगे, 3 को देखोगे, 4 को देखोगे, 5 को देखोगे, 6, सबको सबके टैली बनाए और सबकी फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास जो बन गई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्क्रीट को बन गया है हमारे पास, ये आपने बना लिया सिंपली, बस आसान सा क्वेश्चन है।
अच्छा जी, इसका लास्ट टॉपिक हम देखने लगे हैं, कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस लेस देन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ गिवन क्लास इज कॉल्ड कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कमोलेटिव क्या होता है? कमोलेटिव नेम से ही शो कर रहा है कि आप पास किसी चीज को इकट्ठा करना है, जमा करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, किसी चीज को ऐड करना है, आप उसमें कोई चीज ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास अगर बोर्ड होता ना, तो मैं आपको स्टार्ट में ही सारी चीजें बता देती हूँ कि आपने जो है ये कैसे बनाना है, कमोलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है। मैं एक और जब पास चीज कैमरा होंगे तो बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि बोर्ड नहीं है, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप बुक के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, कमोलेटिव मैंने क्या कहा है, कमोलेटिव का मतलब होता है ऐड करना, इकट्ठा करना, जमा करना। हमने क्या है, ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करना होगा, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को मतलब एक फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट में ऐड किया, नेक्स्ट ऐड किया, इस तरह से हम बनाते गए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसकी डेफिनेशन भी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पेपर में आ जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद सबसे पहले हमने देखा हमारे पास दो तरह के कम्युलेटिव होते हैं, एक लेस देन वाला कम्युलेटिव और एक अप मोर देन वाला कम्युलेटिव। अभी आपने इंटर लेवल में इसकी पढ़ी होंगी। लेस देन कम्युलेटिव क्या होता है हमारे पास, इट इज ऑब्टेन बाय एडिंग सक्सेसिवली द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लासेस। आपने क्या करना है, और मोर देन में क्या होता है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, आपने डेफिनेशन को खुद से देख लेना है और कर लेना है। हम आते हैं यहाँ पे, देखें ये हमारे पास क्लास लिमिट्स थी, ये फ्रीक्वेंसी थी, और ये क्लास बाउंड्रीज थी। याद रखना है हमने इसमें किसको कंसिडर करना होता है, क्लास बाउंड्रीज को लेना होता है, क्लास बाउंड्रीज की लोअर वैल्यू, ठीक है। ये लोअर वाली वैल्यू जो है ना क्लास बाउंड्रीज की, इनको हमने लेना है, जो लोअर वाली वैल्यू है लोअर को कंसीडर करना है। सबसे पहले क्या किया हमने, लेस देन के लिए लिख दिया, लेस देन 9.5, 9.5 से प्रीवियस कोई वैल्यू होगी तो हमें पता है जीरो है, कोई भी प्रीवियस इससे वैल्यू नहीं है। लेस देन 19.5, इससे प्रीवियस हमें पता है कि दो, इसमें टू ऑब्जर्वेशन, हमने टू लिख दिया। लेस देन 29.5, तो हमें पता है कि टू है, और ये वाली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर दी, टू और फोर को ऐड कर दिया तो सिक्स बन जाएगा। फिर लेस देन 39.5 में देखा हमने, इससे प्रीवियसली तीनों वैल्यूज, तीन तीनों को ऐड कर दिया, ये हमारे पास बन जाएगा फ्रीक्वेंसी। फिर लेस देन हमारे पास नेक्स्ट 49.5 होगा, उससे प्रीवियस हमने देखा ये चारों ऑब्जर्वेशन, ये चारों फ्रीक्वेंसी आती है, इन चारों को ऐड करके, इस तरह से हम प्रीवियस प्रीवियस वैल्यू को ऐड करते गए, हमारे पास ये लेस देन फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनता जाएगा। मोर देन के लिए क्या करना है, सेम लेना आपने यही है, ठीक है, यही आपने लोअर वाली को लेना है, लेकिन साथ क्या लिखेंगे, मोर देन, जैसे कि 9.5 एंड मोर, ठीक है, 9.5 और मोर। हम क्या करेंगे, हमें पता है टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 थी, हमने 50 लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास है 19.5 और मोर, यानी कि 19.5 से 5 और उससे ज्यादा, उससे प्रीवियस वाले को हमने एक्सक्लूड कर देना, यानी कि टू वाले को हमने इस कैटेगरी से निकाल दिया, तो हमारे पास 48 आ जाएगा। एक्सक्यूज मी नेक्स्ट हमें मैम, क्या करना है, हाँ जी, मैम ये 50 कहाँ से आए? कौन कहाँ से आई है, 50 जो लिखे है नहीं, ये कहाँ से आया है? 15, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है 50 फ्रीक्वेंसी, 50, 50 हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ये देखो मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल सम है, ये सम है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी है। तो उसने क्या कहा है यहाँ पे, जो आपका फर्स्ट वाला है पार्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि 9.5 और उससे ज्यादा, ठीक है, 9.5 और उससे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी, तो हमने टोटल फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी ना, कि सारी हमारे पास 9.5 और उससे मोर में सारी फ्रीक्वेंसी आ गई, हमने सारी की सारी लिख दी। नेक्स्ट आगे का हमारे पास 19.5 और उससे आगे वाली जितनी भी क्लासेस हैं उन सबका हमने सम लिख देना है। अब हमें पता है कि टू वाले को हमने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, टू उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारे पास आगेगा 48। नेक्स्ट हमारे पास 29.5 है, हमने क्या किया, 29.5 और उससे अबव जितने भी हैं उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, अब हमने ये फोर भी एक्सक्लूड कर दिया, टू भी एक्सक्लूड पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने इसको फोर को एक्सक्लूड कर दिया, ये 44 हो जाएगा। फिर हमारे 39.5 से मोर, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमने क्या किया, इन तीनों को एक्सक्लूड कर देंगे हम, इस तरह से हम ये माइनस करते जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी, ठीक है। जब आप इसको क्वेश्चन को खुद करोगे, बाय हैंड करोगे, तो आपको ज्यादा समझ आएगी, इस तरह से बुक पे देखने से भी समझ नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए और हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आस्ता आस्ता इस तरह से आ जाएगी, एक तरह से ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है, और ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आती है, ठीक है। याद रखना है जो लेस देन वाला केस है ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है, और जो मोर देन वाला केस है वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन मार्क करवा दूं, अब ये मीटिंग एंड होने वाली है तो वो आप देखने, या फिर ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर को दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं। मैम वो नो ये मैम, क्या है,
एक क्वेश्चन है, एक वो हो गया है मैम मार्क्स। मैम बारिश हो रही है, अगर लाइट चलेगी फिर हम ज्वाइन कैसे करेंगे? चलो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस मार्क करवा देती हूँ, आप उनको